मेरे हरियाणावासी मित्रों, भाइयों, बहनों, जैसा हर दिन हम कोरोना के विषय को लेकर के अपनी बात करते हैं, आज लगातार 17वां दिन है आपसे इस विषय पर मिलते हुए। आज इस समस्या को इस प्रकार से मैं रखूंगा कि ये समस्या विश्व भर की है। भारतवर्ष में हम सब लोग, चाहे वो प्रदेश के नाते से चाहे देश के नाते से, इस लड़ाई में हम लोग लगे हैं। बड़ी समस्या है, लेकिन किसी भी समस्या को मैं इस प्रकार से प्रभावित करता हूं कि कोई भी समस्या, ये एक ट्रैफिक के सिग्नल रेड लाइट की तरह होता है। मानो रेड लाइट आई है, हम रुके हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद ग्रीन लाइट भी आएगी, और जब ग्रीन लाइट आएगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कितनी ही कठोर है, भयंकर है, लेकिन हम इसमें मुकाबले में लगे हैं, मुकाबले में जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। विश्वास, एक संकल्प, ये हमको लेकर चलना है। कष्ट की ये घड़ी है, इस कष्ट की घड़ी में हमको इसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ समझाएंगे, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि आज समझाने का विषय नहीं है, आज स्वयं समझने का विषय है। यदि हम स्वयं अच्छी प्रकार से समझ गए तो इन चीज़ों में से हम पार पा जाएंगे। हम लोगों को कोई भी फैसले के लिए सामूहिक रूप से फैसला लेना, सामान्यतया ऐसे फैसले जब अपने बारे में लिए जाते हैं तो आसान होते हैं, लेकिन जब कभी दूसरों के लिए लिए जाते हैं थोड़ा कठिन होते हैं। लेकिन ये फैसला न अब केवल अपने लिए है, न केवल दूसरे के लिए है, ये सब हम सब मिल करके सबके लिए फैसला लेने वाले हैं कि हमें किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो जब सबके लिए फैसला लेना होता है तो उसमें अपने आप को शामिल करके सारा समाज शामिल किया जाता है। इसमें ज़रा कठिनाई तो अधिक होती है, लेकिन फिर भी चाहे इसको अपने लिए समझें, दूसरों के लिए समझें, परोपकार के लिए समझें, लेकिन ये हम सबके लिए एक फैसला, कठिन फैसला है कि हम इसको आगे कैसे पार पाएं। रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ता है नहीं, रास्ता निश्चित है। इस रास्ते पर चलेंगे तो किसी भी प्रयत्न करने के बाद हम भी अपने देश और प्रदेश में इस समस्या को सुधारने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। इसमें सरकारें काम कर रही हैं, प्रदेश सरकार भी काम कर रही है, प्रशासन भी काम कर रहा है, स्थानीय शासन के लोग ये भी सब लगे हैं, वॉलंटियर्स लगे हैं, सामाजिक संस्थाएं लगी हैं, और हमारे इस समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी सब लगे हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके सब लगे हैं, अपने परिवार की चिंता किए बिना वो सब लगे हैं। और आखिर तो इस समस्या से निजात पाने के लिए और इस कोरोना की बीमारी को भगाने के लिए हर व्यक्ति लगा है। आज इस समस्या में जब से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, हमारे कामकाज भी प्राय बंद हो गए, हमारी फैक्ट्रियां, उद्योग, ये सब बंद हो गए। गरीब आदमी, मजदूर और किसान, ये सब लोग अपनी आय के इनको लाले पड़ गए। तो इस नाते से केंद्र सरकार ने भी आगे बढ़ करके आह्वान किया और गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो हमें दी, ताकि हम इसमें से कैसे पार निकल सकें। गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने जो 1,70,000 करोड़ रुपये का पैकेज ये हमारे सामने रखा, उसमें कुछ बड़ी बड़ी बातें वो जो हमारे सामने रखी हैं, मैं आज आपको वो सब जो पिछले लगभग 25 दिन में चाहे केंद्र सरकार ने चाहे प्रदेश सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अर्थात 80 करोड़ लोगों को 3 महीने के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति, और जो अंत्योदय अन्न योजना के बंधु हैं उनको 35 किलो प्रति परिवार, ये जो अन्न की योजना दी थी, इसके अंदर केंद्र सरकार ने 46,000 करोड़ रुपए की लागत की योजनाएं बनाई। इसी प्रकार उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 3 महीने के लिए गैस सिलेंडर फ्री, ये करके भी और एक योजना का लाभ हमको दिया। वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, दिव्यांग, इन सबको 1,000 रुपये महीने की
1000 रुपए की कुल अनुग्रह राशि 2,98,00,000 लाभार्थियों को ये 3,000 करोड़ रुपया ये दिया गया है। किसानों को जो किसान मानधन योजना के अंतर्गत 2000 रुपए की किस्त ये भी हमको इसी महीने दे दी गई है और कुल मिलाकर 8 करोड़ किसानों को इसका लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला खाता धारकों को 500 रुपया प्रति महीना 3 महीने के लिए कुल 31,000 करोड़ रुपये की राशि ये भी केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई है। 15,000 रुपये प्रति माह से कम सैलरी वाले श्रमिकों के ईपीएफ को 3 महीने के लिए उसका अंशदान ये भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके अंतर्गत 78 करोड़ लाभार्थी 4,860 करोड़ रुपये की राशि ही आवंटित की गई है। संगठित क्षेत्र जीपीएफ 5 करोड़ लोगों के लिए 5,000 करोड़ रुपया ये भी केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर इसकी योजना बनाई। सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा केंद्र जिसमें 22 लाख लाभार्थी इनके लिए बीमा योजना 130 करोड़ रुपए की लागत का ये एक लाभ जनता को दिया गया है। मनरेगा की मजदूरी भी हर प्रदेश में 20 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा दी गई, जो हरियाणा में बढ़ करके 309 रुपये प्रतिदिन ये हो गई है। इसी प्रकार भवन और अन्य निर्माण मजदूर कल्याण के जो बंधु उनका जो लाभ है 3.5 करोड़ लोगों को ये दिया गया, 31,000 करोड़ रुपए की राशि इनको लाभ में आई है। ऐसे ही स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए की फंड की व्यवस्था ये की गई है ताकि हम स्वास्थ्य विभाग की इन योजनाओं का पूरा लाभ ये उठा सकें। इसी प्रकार प्रदेश सरकार की योजनाएं भी ये भी आपको मालूम है हमने अलग से योजनाएं बनाई हैं, जिसके अंदर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 12.5 लाख लोगों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इनको भी 3.5 लाख लोगों को, बीपीएल के परिवार 6,04,000 लोगों को और अनऑर्गेनाइज लेबर इनको 1 लाख लोगों को राशि पहुंचाने की बात हमने की है। ऐसे लगभग 23 लाख लोगों को राशि पहुंचने का काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अभी तक जिसमें से 438 करोड़ रुपया लगभग 13 लाख लोगों को पहुंच गया है, शेष 10 लाख लोगों के अकाउंट में भी बहुत जल्दी 3 या 4 दिन के अंदर अगला पैसा ये पहुंचने वाला है। हमने इसी प्रकार जो राशन की बात केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 5 किलो अनाज और 35 किलो अंत्योदय अन्न योजना का लाभ पहुँचाया है, उसमें प्रदेश सरकार की ओर से जो योगदान है वो भी 3 महीने के लिए 135 करोड़ रुपया इसका योगदान ये होने वाला है। इसी प्रकार हमने जो डॉक्टर बंधु हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स जिनको हमने कहा है, जो कोरोना के इलाज में सीधे सीधे संपर्क में आए हैं, ऐसे लोगों के लिए एक्स ग्रेसिया और उनकी डबल सैलरी की जो घोषणा की थी इसके लिए 10 करोड़ रुपया हमने इसे रिजर्व किया है। कोरोना की लड़ाई के लिए 5 विभाग जिसमें मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, ऐसे 5 विभागों के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि ये उपलब्ध कराई है ताकि किसी प्रकार की बाधा रहित और इन विभागों को कोरोना की लड़ाई लड़ने में कोई कमी न पड़े। पावर डिपार्टमेंट ने भी जो फिक्स चार्जेस हैं ये फिक्स चार्जेस आगे 2 महीने के लिए इनको भी सब्सिडी दी है, 30 करोड़ रुपये का खर्च ये आने वाला है। इस प्रकार इस महीने 2,225 करोड़ रुपये की लागत की एक प्रकार से जनता को ये कंसेशंस दी गई हैं और कुल मिलाकर प्रदेश ने भी हर उस गरीब व्यक्ति का जिसके घर में 2 समय का भोजन उपलब्ध हो जाए, कोई आदमी भूखा न सोए, ऐसे हर व्यक्ति को जिसको कठिनाई आई है उनको सहायता पहुँचाने की बात ये हमने की है। हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार की सब व्यवस्थाओं में धन वो बजट से जुटाया जाता है और जब धन बजट से जुटाना होता है तो एक बात मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में क्या कहा है, उनका कोषा मूलोदंडा, प्रशासन राजस्व और कर से ही चलता है, सरकारी खजाना आपके दिए हुए कर से ही भरता है, ये आपका ही धन होता है, इसको आपके लिए ही उपयोग करना इसका हम अपना दायित्व मानते हैं। जहां तक बजट का विषय है, हम लोग हर वर्ष अपनी प्राप्तियां और अपने खर्च इसको निर्धारित करते हैं, लेकिन चूंकि प्रदेश में एक प्रकार से आर्थिक स्थिति उसकी जो प्राप्तियां हैं वो प्रायः नगण्य हो गई हैं, क्योंकि कामकाज सब रुक गए हैं, चाहे वो जीएसटी का पैसा जो जनरल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इस नाते से
आना था गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपया हमको प्राप्त होने वाला था, लेकिन अनुमान है कि 1000 करोड़ रुपया ही इस बार हमको प्राप्त हो पाएगा। इसी प्रकार स्टाम्प ड्यूटी 600 करोड़ रुपया प्राप्त होने वाला था, कोई पैसा, क्योंकि जमीनों की खरीद फरोख्त ये बंद हो गई है, कोई पैसा इसमें आने वाला नहीं है। एक्साइज ड्यूटी लगभग 1000 करोड़ रुपया की अनुमान, जिसमें से मात्र 100 करोड़ रुपया ये आएगा ऐसा लगता है। इसी प्रकार वैट का भी लगभग 782 करोड़ रुपया, इसमें से भी कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपया अधिकतम ये आने की संभावना है। अन्य टैक्सेस 300 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर महीने भर में 6200 करोड़ रुपये की आमदन ये होने का, प्राप्तियां होने का एक जो अनुमान बजट में लगाया गया था, लेकिन इस कोरोना की समस्या के कारण से हमारी जिंदगी प्राय प्राय ठहर सी गई है, जिसके कारण से आर्थिक गतिविधियां वो प्राय सब रुक गई हैं, और इसमें यदि बहुत अधिक से अधिक अनुमान भी अब लगाते हैं तो 1600 करोड़ रुपया ही आने की संभावना है। कुल मिलाकर 4600 करोड़ रुपये का प्रबंध ये हमको करना होगा। बहुत से खर्च ऐसे हैं जिन खर्चों के लिए हम लोग करने ही होते हैं, अनिवार्यता है, जैसे हमारे कर्मचारी उनके वेतन, ये वेतन लगभग 1850 करोड़ रुपया ये हर महीने हमको देना होता है। पेंशन्स 750 करोड़ रुपया ये जाने ही वाली हैं। सोशल सिक्योरिटी पेंशन अर्थात हमारी वृद्धावस्था पेंशन, हमारे दिव्यांग बंधुओं को पेंशन, हमारी विधवा बहनों को पेंशन, 650 करोड़ रुपया ये हर महीने का हमारा खर्च है। ऐसे ही पावर की सब्सिडी 575 करोड़ रुपये, जो हमने अभी तक ऋण लिया है उस ऋण की वापसी और ब्याज 1700 करोड़ रुपये, कुल अन्य खर्चे जितने आवश्यक हैं उनको सबको यदि मिला लेते हैं तो ये 6200 करोड़ रुपया ही बनता है। अब इस 6200 करोड़ का खर्च हम लोगों को पूरा करने के लिए आखिर तो इसमें या कोई ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट दे, अन्यथा ये हमको कर्ज लेना होगा, क्योंकि कुल मिलाकर जो धन है वो समाज का धन है, आपका धन है। ये वो जमाना चला गया कि जिस जमाने में, पुराने जमाने में राजे महाराजे रजवाड़े होते थे, उनके अपने खजाने होते थे, शाही खजाने को भरपूर रखते थे, चाहे वो मनमाने ढंग से जनता से ले, अथवा शाही खजाने को बढ़ाने के लिए चाहे किसी भी दूसरे राजा महाराजा के ऊपर हमला करके उसके शाही खजाने को लूटना और अपने पास जमा करना और फिर जनता में बांटना। लेकिन मित्रों, भाई बहनों, ये जो आज के समय हम प्रजातंत्र में आज़ादी के बाद ऐसी व्यवस्था है कि ये पैसा सब जनता से लेकर के जनता को ही देना होता है, हर वर्ष हमारा बजट बनता है, ये जनता के अलावा और कहीं से आने वाला नहीं होता है। तो उस नाते से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का समय है, इस समय पर हम लोगों को इन सब बातों पर विचार करना होगा कि आखिर हम भी इस समय अपने दायित्व को कैसे निभाएं। आज के समय जनता से हमने कोरोना रिलीफ फंड, इसकी जो एक दरखास्त की कि लोग योगदान करें, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा योगदान भी किया है। कोरोना रिलीफ फंड में इस समय तक 91 करोड़ रुपए इसकी राशि हमको प्राप्त हुई है। कर्मचारियों के से हमने अपील की है, कर्मचारियों का भी लगभग 72 करोड़ रुपया ये हमको आने वाला है। और भी बंधु इसमें यदि खुल करके योगदान करेंगे तो ये राशि निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब समय आता है समर्पण में और लोगों के जुड़ने का। आज मैं एक विषय पर और चर्चा इस प्रकार से करूंगा, क्योंकि आज हमारा किसान वो खेत के अंदर अपनी फसल को निकाल कर मंडी में ले जा रहा है। आज 15 तारीख से हमने सरसों की खरीद ये शुरू कर दी है, और सरसों की खरीद के लिए प्रदेश भर में जो पिछले वर्ष 66 मंडियां थी, इस बार 143 मंडियों में काम हो रहा है। हम हर दिन बारी से किसान को बुलाते हैं, और जब बारी से किसान को बुलाते हैं तो आज के दिन लगभग 7000 ऐसे किसानों को हमने बुलाया है जो अपनी मंडी के अंदर फसल बेच करके जाएंगे। किसानों से भी आग्रह किया है कि हम अन्नदाता हैं, और अन्नदाता हैं, हमको भी इस कठिनाई के समय, इस एक प्रकार का ये ऐसा दौर है जो हमारे लिए बड़ा कठिन दौर चल रहा है, इसमें उनको भी अपना योगदान करना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज एक ही मंडी से 56 किसानों ने ये कहा कि हम भी अपना योगदान देंगे। बहुत योगदान इस प्रकार के किसानों से भी हमको अपेक्षा है, वो सब कर रहे हैं। तो किसानों को मंडी का जो ये इस प्रकार से हमने फैलाव किया है, इसमें उनकी उपज का खरीद एक एक दाना हम करेंगे, ये विश्वास हमने पहले भी दिलाया है, अब भी दिला रहे हैं। एक कठिनाई हमको हमारे जो आड़ती समाज है
दशकों से आ रही है। आरतियों से भी मैं निवेदन करता हूं कि ये समय एक ऐसा कठिन दौर का समय है, एक आपत्ति, एक संकट का समय है। इस समय हमको सबको सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ करके जो योजनाएं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा बनाई जाती हैं उसके ऊपर हमको पूरा उतरना चाहिए। गाँव के अंदर जाए, कहीं भी मंडी हमने बनाई है, परचेज सेंटर बनाया है, हमको वहां तुरंत दौड़ करके जाना चाहिए, क्योंकि किसान की फसल वर्ष में एक बार आती है और वर्ष में आने के बाद उसकी अगर हम बिक्री ठीक से नहीं हुई तो कुल मिलाकर इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, जो किसान पर आधारित है, वो बिगड़ सकती है। हमको इसमें मन खोल करके आगे बढ़ना चाहिए। किसी प्रकार की डिमांड हमारी, भले वो आज नहीं भी मानी जाएगी, योग्य डिमांड बाद में कभी भी मानी जा सकती है। आज तो जो प्रशासन ने कहा है, हमारा दायित्व तो बनता है कि उसके ऊपर पूरा उतरे। आज ये समय हमको ये चाहिए, हमें कम पैसा मिला, हमको ज़्यादा पैसा मिला, ये इस दौर में, इस समय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ये चर्चा करते हैं तो ये माना जाएगा कि हम केवल अपने लिए काम करते हैं, प्रदेश और देश के लिए काम नहीं करते हैं। अगर प्रदेश और देश के लिए काम करना है तो आज मुझे कुछ ऐसे आड़ती भी चाहिए जो आगे बढ़ करके कहें कि इस बार हमको आड़त की चिंता नहीं, इस बार प्रदेश में किसान के एक एक दाना खरीदने की चिंता है। जो कठिन दौर, जो काम हमारे जिम्मे लगेगा उसको हम पूरा करेंगे। ये काम आड़ती अगर अपने सिर पर लेंगे तो इससे किसान को भी परेशानी नहीं आएगी, मजदूर को भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब लोग समर्पण भाव से अपना इस काम को आगे बढ़ाएं। यदि समर्पण भाव से इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये काम हमारा पूरा होगा। बहुत अवसर जीवन में ऐसे आते हैं कि जब हमें निर्णय जरूरत के हिसाब से नहीं करने होते, बल्कि जो निर्णय जरूरी होते हैं उन्हीं निर्णयों का पालन करना होता है। हमारी जरूरत है या नहीं है, लेकिन आज निर्णय जो जरूरी लग रहा है, हर गरीब व्यक्ति की सहायता, ये निर्णय जरूरी है, इसके ऊपर हम चलेंगे। तो परिस्थितियों में जब ऐसे कभी संकट आते हैं, उस संकट के समय हम कोई गलती न कर बैठें। अगर गलती करते हैं तो जैसे हमने इतिहास में पढ़ा है कि लमों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, आज अगर कोई गलती हम कर बैठते हैं, मैं हर समाज के वर्ग को कहता हूं कि आज समय में सुदृढ़ होकर के, एकजुट होकर के हम खड़े हों तो निश्चित रूप से याद रखिएगा कि अभी हम रुके हैं, समय नहीं रुका है। और जब समय नहीं रुकता है तो जब समय आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से एक अच्छा समय भी हमारे लिए आता है, हम निश्चित रूप से पार पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि ये हम अभी सिग्नल के ऊपर रेड लाइट के कारण से रुके हैं, थोड़े समय में ग्रीन लाइट होने वाली है, हम आगे बढ़ने वाले हैं। कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा, ये बात बार बार मैं कहता हूँ।